नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिवेट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, रिवेटिंग जॉइंट्स एवं रिवेटिंग टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिवेट क्या होता है। रिवेट एक अर्धस्थायी फास्टनिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग शीट्स को अर्धस्थायी रूप से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। रिवेट धातु की एक गोल रॉड होती है। रिवेट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, हेड, शैंक या बॉडी एवं टेल। रिवेट नरम धातुओं जैसे कि तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील आदि के बनाए जाते हैं। किसी जॉब या प्लेट के छेद में रिवेट फिट करके उसकी टेल के सिरे को फैलाने की विधि को रिवेटिंग कहते हैं। रिवेट के हेड को हाइड्रोलिक प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर या हैमर की सहायता से दबाकर रिवेटिंग की जाती है। आइए अब जानते हैं रिवेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। रिवेट को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, रिवेट की बनावट के आधार पर एवं रिवेट के हेड के आधार पर। बनावट के आधार पर रिवेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड रिवेट, हॉलो रिवेट एवं बफर कोटेड रिवेट। सॉलिड रिवेट का शैंक ठोस होता है एवं सामान्य कार्यों में इसी रिवेट का प्रयोग किया जाता है। यह रिवेट सबसे अधिक मजबूत होता है। होलो रिवेट का शैंक खोखला होता है एवं इसका प्रयोग जूतों में छेद बनाने व फाइल कवर आदि में होता है। बफरकेटेड रिवेट का शैंक दो भागों में विभक्त होता है, इसका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। हेड के आकार के आधार पर रिवेट निम्न प्रकार के होते हैं, स्नैप या कप हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट, फ्लैट काउंटर शंक हेड रिवेट, राउंड काउंटर शंक हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, फ्लैट हेड रिवेट एवं टेपर्ड हेड पैन हेड रिवेट। आइए अब जानते हैं रिवेटिंग जॉइंट्स के बारे में। धातु की शीट को रिवेट के द्वारा जोड़ते समय मुख्यतः दो प्रकार के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं, लैप जॉइंट एवं बट जॉइंट। लैप जॉइंट में जोड़ी जाने वाली शीट के किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर रिवेटिंग करते हैं। जब लैप जॉइंट में रिवेट की एक लाइन प्रयोग की जाती है तो इसे सिंगल रो लैप जॉइंट कहते हैं। जब लैप जॉइंट में रिवेट की दो लाइन प्रयोग की जाती है तो इसे डबल रो लैप जॉइंट कहते हैं, एवं जब लैप जॉइंट में रिवेट की दो लाइन जिगजैग आकृति में प्रयोग की जाती है तो इसे डबल रो जिगजैग लैप जॉइंट कहते हैं। बट जॉइंट में जोड़ी जाने वाली शीट के सिरों को आपस में मिलाकर उसके ऊपर अलग से एक शीट का टुकड़ा रखकर रिवेटिंग की जाती है। शीट के इस टुकड़े को स्ट्रैप कहते हैं। अगर केवल एक स्ट्रैप प्रयोग की जाती है तो इसे सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट कहते हैं, एवं जब दो स्ट्रैप का प्रयोग किया जाता है तो इसे डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहते हैं। जब जोड़ी जाने वाली दोनों शीटों पर रिवेट की एक एक रो एवं एक स्ट्रैप प्रयोग की जाती है तो इसे सिंगल रो सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट कहते हैं। यदि जोड़ी जाने वाली दोनों शीटों पर रिवेट की एक एक रो एवं दो स्ट्रैप प्रयोग की जाती है तो इसे सिंगल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहते हैं। इसी तरह से अगर जोड़ी जाने वाली दोनों सीटों पर रिवेट की दो दो रो एवं दो स्ट्रैप प्रयोग की जाती हैं तो इसे डबल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहते हैं। आइए अब जानते हैं रिवेटिंग के लिए प्रयोग होने वाले प्रमुख टूल्स के बारे में। पहला टूल है रिवेट सेट। रिवेट सेट एक खोखला पंच होता है जिसके छिद्र में रिवेट का स्टेम चला जाता है। इसका प्रयोग दो चादरों को एक दूसरे के बहुत निकट लाने के लिए किया जाता है। दूसरा टूल है डॉली। इसके फेस पर रिवेट हेड के आकार का गड्ढा पहले से बना होता है। इसका प्रयोग करने से रिवेट की हेड की शेप खराब नहीं होती। डॉली का उपयोग रिवेट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। तीसरा टूल है रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप का उपयोग रिवेटिंग के पश्चात उसको सही रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा रिवेट के दोनों ओर समान आकार व आकृति प्रदान की जाती है। अगला टूल है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक सिलेंड्रिकल पंच है जो विभिन्न व्यासों में उपलब्ध होता है। दोनों चादरों के छिद्रों को एक साथ करने के लिए छिद्रों के साइज का ड्रिफ्ट उनमें से गुजारा जाता है। अगला टूल है कॉलकिंग टूल। कॉलकिंग औजार का प्रयोग जुड़ी हुई अथवा जोड़ी जाने वाली प्लेटों के किनारों तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने के लिए किया जाता है। अगला टूल है फुलरिंग टूल। फुलरिंग औजार का उपयोग जुड़ी हुई किन्हीं दोनों प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है।